आदि समाज पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमा सरपति से निवेदन करूँगा जो बैठक उन्होंने बुलाई है आगामी चुनाव जीएमसी को लेकर उत्तर प्रदेश को उसके बारे में आप लोगों को एक जोरदार तालियां। साथी सम्राट महाराजा सूर्यदेव से वो नमन करते हुए और महाराष्ट्र की धरती से स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले महाराजा शिवाजी महाराज को पुष्प करते हुए सत्ता बंधुत्व का न्याय देने वाले बाबा माता जी का अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए आज प्रदेश उपाध्यक्ष विकास मोहन जी महासचिव राजय राय जी उत्तर मध्य मुंबई के जिलाध्यक्ष सुभाष राजभर जी और तमाम जिलाध्यक्ष दिनेश राजभर जी अनुदास तमाम लोग और हमारे उपस्थित अधिकारी है सबका मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ कि आज दो साल के बाद सामूहिक विश्व समिति हो आए। दूसरी बात जो मैं आप ताकत की शक्ति जी रहा हूँ ताकत को पहचानो आप स्वतः को पहचानो। आज जो स्थिति है महाराष्ट्र की या अपने देश की आज इतनी ताकत बन गए हो और वो ताकत पैदा कैसी हुई माननीय नेताओं को काफ रहा है। आज अब पिछड़े पिछड़े की जो बात होती है चाहे गौर समाज हो चाहे दूर समाज हो पाल समाज हो चौसिया नाई केवट मल्ला प्रजापति किसी कोई जानता नहीं था इस समाज या राजभर समाज किसी कोई जानता नहीं था। पिछड़े की बात होती थी लेकिन पिछड़े में बड़ी जातियां थी उनका नाम लिया जाता था अब पिछड़े का कोई नाम लेने वाला नहीं था और अब पिछड़े को अगर धरातल पर लाने वाला कोई काम किया है माननीय नेताओं का राजभर जी। आज जो देश में चर्चा है कि बच्चे को हक अधिकार कैसे दिया है और ये मिला हुआ है 1990 से क्योंकि आज कांग्रेस के पुत्र साहब देख रहे हैं क्यों ऐसी हुए जो पिछले समाज को दूर करते चले गए कांग्रेस आज उसका हस्त क्या कर रहा है पिछला समाज आपको ऐसी लड़ाई को लड़ने के लिए मान्यता उनका राजभर जी 2017 में भाजपा से गठबंधन की किसी बात को हाईलाइट किया यह जो पिछड़ा आप कर रहे हो पिछड़ा जिसका आज तक कोई इतना गौरवशाली इतिहास रहा लेकिन कोई अधिकार नहीं मिला कोई हक नहीं मिला तो उसकी बात करते हैं और उस कड़ी में उन्होंने जो आरक्षण की बंटवारे की बात किया जैसे रोहिणी कमीशन की बात किया सामाजिक न्याय समिति की बात किया उस ताकत को आप पहचान लो उस ताकत का आपको एहसास जो मैकल की घटना से करा दे रहा हूँ आपको। अब तक मैं मुंबई में रह रहा हूँ ऐसा माननीय संतोष जी ने कहा कि आपके आदमी सेवा सर के माध्यम से हम भी घूमते रहे हम संगठन में रहे और 2009 मुझे याद है 9 या 10 का रहा होगा पानी सांसद संजय निरूपम जी उसको सांसद और पहली बार एक कार्यक्रम का आमलान समाज का उस कार्यक्रम के लिए हम निमंत्रण देने गए थे बोली बोली का और बैठे थे तो हमने कहा भाई राजभर समाज से उन्होंने कहा राजभर समाज के कहाँ से यह है उत्तर प्रदेश का एक समाज है तीसरा समाज है आज हम चौरसिया सुने हैं पाल सुने हैं कि राजभर सभी लोग सुने हैं कि यह है आप कृपा जरा आइए और उस मलाड के कार्यक्रम में आए उसमें मुझे लगता है कि दवा शक्कर विद्यार्थी भी सांसद जो आए माननीय नेता जी वो भी आए हुए और अरविंद जी का बनारस की घटना को लेकर के हाथ लेक्चर था वो भी आए हुए एक समाधान था कि हम उनके पीछे घूम रहे उसके बाद ताकत पहुँचाना निरुपम जी को और हर कार्यक्रम में उनको फोन करने के लिए आए। कल मेरी घटना में कल की घटना बता रहा हूँ कांग्रेस कार्यक्रम लगा हुआ था अधिकारों जी को उत्तर भारतीय सभा की तरफ से कल ऐसी घटना थी कि निरुपम मेरे पीछे दौड़े और उन्होंने मुझे पकड़ पकड़ करके मेरा परिचय जो मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी हैं सप्रा जी हैं उनसे मेरा परिचय करा रहे थे ये सूर्यदेव भारतीय पार्टी के महाराष्ट्र का अध्यक्ष है और यह मेरा नाम मेरा इंट्रोडक्शन वो करा रहे थे। तब मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ
इतने सालों तक राजभर को जानते रहे थे और राजभर राजभर करके आज ऐसी कल मुझे गौरवान्वित महसूस हुआ। हमारे इतने थे वहाँ पे, लोगों ने देखा क्या नहीं ये राजभर जी को साथ बैठा है, ये खुद अपने साथ भाई अमिताभ के साथ सपना जी के साथ बैठा है, निरुपम जी का छोटा भाई जैसा सबको खाना ला करके बाकी छोटा कार्यक्रम का ला करके खिलाया गया और वह सम्मान मिला। मुझे एहसास हुआ कि पार्टी की ताकत बढ़ रही है मित्रों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी ताकत से पहचानो कि आप इतने भाग्यशाली है कि समाज में पैदा हुए, पिछले समाज में जिसको आज मान लेता हूँ विकास राजपा जी का किया, तो आप पहचान के मुहताज मुहताज नहीं हो आज के डेट में। आप कहीं भी जाए देश के किसी कोने में आप जाइए, अगर आप पिछले समाज से कहिए या पाल बिन चौहान के वर्तमला या राजभर कहिए तो आपको सीधा देता हूँ विकास राजभर दिया अच्छा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है अंदर। तो आपको ताकत को आप पहुँचाइए और ताकत उत्तर प्रदेश में आपने देखा है, आज 22 का इलेक्शन है, उस 22 के इलेक्शन में आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में हवा चलने जब से 27 अक्टूबर की जो हलधर लोगों की धरती से कार्यक्रम हुआ था, वर्णन भाई ओमप्रकाश जी ने कहा, जगमोहन जी ने कहा, लोगों ने देखा हुआ, हम उनको साक्षात थे। और मैं आपको भाई संजय जी डॉक्टरे बजा रहे हैं के लिए जोरदार ताली बजाई संजय जी ये भी एक बस के माध्यम से हमने कहा दशहरा को यहाँ कार्यक्रम ध्यान रख रहे थे, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा हम रखेंगे खपोली में रजत में, तो प्रशिक्षण से एक बार लगा था जुलाई के महीने में संजय जी के यहाँ, उसके बाद हमने कहा दशहरा भैया कार्यक्रम रखना है भाई आइए। हमने कहा संजय जी ऐसी बात है कि हमको इस समय मृत्यु में लगे हुए हैं सरकारी कार्यक्रम है, तो इन्होंने सोचे कि अपना टिकट यहाँ से निकाला कह भैया मैं भी आ रहा हूँ और गए बनारस लखड़ा की धरती से आए और एक बस इन्होंने बुक किया और लोगों को पूरी बाजी के साथ में भले इनकी बस पहुँच गई सिटीजन के वहाँ पे, तो ये रही कि महाराष्ट्र की आपकी वहाँ जो है तमाम ऐसे पदाधिकारी रहे। आज हमारे जिलाध्यक्ष विनोद राज जी पालघर के जिलाध्यक्ष वो भी वहीं के हैं, वो भी दो चार बस के साथ पहुँचे थे। आज राधे किशोर करौजिया जी साउथ मुंबई के जिलाध्यक्ष उन्हें भी नहीं आए हैं, सदन में आ जाएंगे, वो भी वहीं पर लगे हुए थे, उनकी एक बस थी, हमारे यहाँ से 4-5 बस थी। तो महाराष्ट्र की ताकत वहाँ भी आपको दिख रहा था कि महाराष्ट्र के लोग हैं, ऐसा नहीं कि आप यहीं पे हो, वहाँ भी एहसास कराने का काम किया है, तो आप लोगों को ताकत कराने का काम किया है कि आप लोग छोटे छोटे माध्यम से ये ताकत की महाराष्ट्र के लोग आए हैं यह देखा गया। तो वर्णन जो आप करेंगे उस चीज़ की ऐसी सिचुएशन हम झेले थे कि वहाँ किसी तरह से जो पहुँच गए थे तो मुझे लगता है कि वहाँ मिलने की भी सिचुएशन ऐसी नहीं थी। और कार्यक्रम नेता ये चले हेलीकॉप्टर से आ रहे, हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग निकले तो हमको कार्यक्रम से मऊ सिटी तक पहुँचने में 4 घंटे लगे, वहीकल गई तो प्रकाश गौर बोले भैया आ जाइए मेरे यहाँ, लेकिन ये कहाँ थे हम कहाँ थे, एक दूसरे को सिचुएशन ऐसी थी ये भी कहें भैया आप चले जाइए जो है, और क्योंकि हम लोग रास्ता ही नहीं मिल रहा था जाए कैसे, क्योंकि इतनी आजमगढ़ तक बसें लगी हुई थी, जो लेट बसें निकली है, जो बसें रात को 4 बजे 3 बजे 2 बजे निकल गई वह तो कार्यक्रम स्थल तक पहुँची थी, जो सुबह सुबह चलिए काफ़ करके चले 11 बजे निकलेंगे वह तो आजमगढ़ या तो फंसा रहा या तो मऊ फंसा रहा या तो बलिया कहीं उधर पकवा इलाज उधर कहीं फंसा रहा, पहुँचने की सिचुएशन नहीं थी। तो वह कारवा आप ताकत तो आप उसको पहचानिए कि उत्तर प्रदेश में घूमने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन उसी ताकत को आप जहाँ भी रहते हो नेता जी एक बात बहुत अच्छा उनका लगता है वो कहते हैं आप चाहे इस पार्टी में रहो जिस स्थान में रहो लेकिन अपनी आवाज़ को अपने समाज की आवाज़ को अपने देश की आवाज़ को आप बुलंद करो। तो वहाँ उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा था, पार्टी लगी हुई है, आपकी ताकत से जब आएगा तो लगभग मुझे लगता है कि यहाँ वही बार बार नेता जिस ताकत को मैंने बड़े बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश की जो राजभर समाज के हैं यह बात समझाने के काम किया, लेकिन संगठन के माध्यम से आ जाएंगे कल आएंगे कभी कभी ऐसी स्थिति हुई कुछ नेताओं को यहाँ का संगठन भाड़ा किराया रहने की व्यवस्था करके दिया है, तो ये लोग जो है ऐसी आज स्थिति है, लेकिन नेता जी करते नहीं, अगर महाराष्ट्र का कार्यक्रम है मुंबई कार्यक्रम है मैं जरूर आऊँगा, आने की वजह केवल एक था
कहता हूँ आपकी एक ही बात नहीं समझा भैया, आप पूर्वांचल में जो कार्यक्रम आप करते हो एक जिले में, यानी आप 10 कार्यक्रम जब करोगे तो पूरा पूर्वांचल आप कवर कर पाओगे। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम करोगे तो पूरा पूर्वांचल कवर हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसा जिला नहीं होता। देश लोग यहाँ है, आप गाँव से घूम गए तो यहाँ जो मैसेजिंग आप करते हो तो तुरंत क्या है कि वह यहाँ से फोन करके करता है भैया निकल गया है रेंजों में यहाँ और कार्यक्रम लगा हुआ था, तो उस ताकत को उन्होंने पहचाना और आपकी एक आवाज़ पर जब भी आप कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हो इतनी व्यस्तता रही उसकी रहे, लेकिन तुरंत ऐसा नहीं करते नहीं मैं अवश्य आऊँगा उस कार्यक्रम में, कि आप ताकत है तो आप उस ताकत का एहसास महाराष्ट्र में यहाँ भी इलेक्शन है, यहाँ मैंने आपको बताया जो ताकत है। तो अब तक हम जो घूमते रहे अकेले घूमते रहे, अब हम सोच रहे हैं कि गठबंधन के साथ चलाओ, क्योंकि इस गठबंधन में आप मैं देख रहा हूँ कि पिछले सालों से आप लोग हैं लड़ने के, हमने विधानसभा भी लड़वाया आप कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन लड़वाए, लेकिन हम निकल नहीं पाते क्योंकि अपनी ताकत उतनी नहीं है। तो जब हम गठबंधन में रहेंगे तो यहाँ पर अपनी ताकत हम पैदा कर सकते हैं, और जब लड़ना है उसके लिए संगठन जरूरी है, क्योंकि आप पूरे मुंबई नगर पालिका की बात करते हैं 227 की नगर पालिका और 227 और अभी इस बार जो पर्ची बन हुआ है 236 हो गई है, 9 सीट उन्होंने बढ़ा दिया है। एक कर करके और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जय सुवर्ण देव, जय।
जय सुरेंद्र, जय सुरेंद्र। बैठे हुए सभी पदाधिकारी नेत्रगण सभी लोगों को जय सुरेंद्र। करना क्या है यूं समझिए कि प्रशिक्षण केंद्र जैसे सर जी ने कहा सीखो, इसलिए बोलने का प्रयास और बोलने की हिम्मत जुटाकर यहाँ तक आप लोगों के सामने खड़ा होने की कोशिश किया हो और करना ही चाहिए, क्योंकि हम सीखेंगे नहीं तो कहाँ से आगे जाएंगे। जिसको जैसा, मैं एक बार मस्कट में था, वहाँ पे रोलिंग मिल प्लांट था, तो जो मैनेजर था, जनरल मैनेजर था, वो आर्मी से था, रिटायर आर्मी, सब लोग लोहा प्लांट में कैसे सब वही रहते हैं हम घटे, इसलिए ये बात बता रहा हूँ। उसने बोलने के लिए कहा हम लोग सबका, ऐसा फ्राइडे के दिन मीटिंग लगाया हुआ है और सब ऐसे जैसे यहाँ पे असमंजस में क्या कहा कहीं कहा कहीं कहा कहीं ऐसे बोलते थे, तो उन्होंने क्या बोला कि मतलब आप मुझे गाली ही दो लेकिन बोलो तो सही। बड़ी बात है कि मस्कट में विदेश में जाके और इस तरह की ट्रेनिंग हुआ थी, प्रशिक्षण तो देते, तो हमारे सर जी बोले कि तो भाई सबको बोलना और बोलना सिखाइए। सही बात है, बोलना हम लोग तो वाकई हमको तो नहीं बोलना आता, एक प्राइमरी तक पढ़ा हुआ मैं ये हाँ, और यूँ चाहिए कि रास्ता बताने वाले अब मैं भी इस पार्टी से, देखिए जो आगे कर रहे हैं वो लोग तो कर ही रहे हैं, यहाँ पे जो मैं जुड़ा वो हमारे अध्यक्ष जी के चलते मैंने देखा कि साहब के साथ रह के हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले, बाकी क्या है हमको कोई कुछ देगा तो नहीं, आज तक किसी पार्टी ने किसी को दिया, जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ या कोई भी है कोई किसी को कुछ नहीं देता, सब अपने आप की रोटी सब अपने आप ही कमाते हैं अपने आप ही, लेकिन ज्ञान आगे जाने का गाइड लाइन अगर किसी से मिलता है तो उसके साथ जुड़ करके चलिए, या कोई भी पार्टी या संगठन या कोई भी व्यक्ति विशेष चलना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी भैया कहिए कि राजभर और राजभरों का ये राजनीतिक घर जिसमें हम शिक्षा प्रशिक्षा सभी तरह का मान सम्मान पा रहे हैं, भले ही नहीं बोलने आ रहा है आप तो चलो भाई वहाँ बिरादरी की मीटिंग है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक साथ रह तो रहे, इसी के साथ मैं और क्या बोलूँ, मुझे तो बोलने नहीं आता है, सीख रहा हूँ। आज 2 साल के बाद हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, माननीय उपाध्यक्ष जी की देन है जो आज भी इकट्ठा हो रहे हैं। 2022 का चुनाव आने वाला है, हमारे मंत्री जी ने समझो हमारे घर के सदस्य हैं, इस हिसाब से काम करके कंधे से कंधा मिला करके जिससे मोदी तक डर रहे आप, हिंदुस्तान में कोई शेर नहीं है जो मोदी को डरा सके, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी की रैली देख के मोदी ने अपने काले कानून को वापस ले लिए, इस हिसाब से काम करके जय सुरेंद्र। आदरणीय हमारे बैठक में अध्यक्ष जी और सचिव अजय प्रणाम, मैं अंतर राजभर, आज उत्तर प्रदेश में ऐसी शक्ति पैदा करने वाले माननीय मोदी का राजभर जी पूरे देश में ऐतिहासिक में आज गिना जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ऐसा भूचाल आए हैं धरती पे कि पूरी बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़ी बड़ी हस्तियां आ गई है और केंद्र और राज्य भी बातों को बार बार यहाँ बातें करती है और आज ऐसा एक एक कोने में एक एक जगह पे उनकी चर्चा होती है और एक एक जगह से बात उठती है, कोई गलत ठहराता है कोई सही ठहराता है, लेकिन सच्चाई यही है कि गरीबों का मसीहा माननीय मोदी का राजभर जी है जो शुरू से गरीबों के लिए वंचितों के लिए लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। जय सुरेंद्र, जय महाराज।
दीवार आ गई, फिर दीवार आ गया, 50 वोट दिए हैं, उनको लेकर आते हैं। रमेश काजवर जी हैं, उनको मामला विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अध्यक्ष जी बाहर जिला बांद्रा के संजय राजभर जी ये जिला उपाध्यक्ष पालघर जिला, भाई आपके जिला अध्यक्ष चुनाव गांव में सक्रिय है, इसके पूरी जिम्मेदारी आप संभालिए। कमलेश राजभर युवा देश का राजदूत नेता है और इनके भी जिला अध्यक्ष जो पप्पू राजभर है थोड़ा नीले है, लेकिन आप जो है जिला के प्रमुख आप चुनाव बनाए जा रहे हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे कार्यकारी पदाधिकारीगण, इनको मैं नमन कर रहा हूँ। हमारे दूर दराज से आए हुए इस शुभ सभा भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण को मैं अपने चरणों से नमन करता हूँ। और जब हम कभी एकत्र होते हैं, जैसे सर ने आज जो है कल को हमको मालूम पड़ा, संतोष जी ने बोले सर यहाँ पे कुर्ला में मीटिंग रखी गई है, और जब तक हौसले बुलंद नहीं होंगे, अपने आप से बुलंद नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। आज देख रहे हैं कि हमारे जो है माननीय ओम प्रकाश जी आज जो है तहलका मचाए हुए है, मचा के रखे हैं कि नहीं। बड़े बड़े मुख्यमंत्री अखिलेश जी जैसे मोदी साहब या योगी साहब को उन्होंने कुछ जो है समझते नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने हक पे चल रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अपने हक पे चलेगा उसको कोई नहीं कुछ बाका कर सकता, क्योंकि उसको मालिक ही उसको जो करना है वही कर सकता है। यस, क्योंकि एक शहर लिखा गया है वो सुन लीजिए कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, अरे खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के उसूलों से। दोस्तों मेरा कहना है कि अभी जो है कुछ ही समय बाकी है, इन्हें गिने 100 दिन पकड़ के चलिए। उत्तर प्रदेश में हमारे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ चुका है, सारी पार्टियां जोर शोर में लगी हुई हैं, तो सब लोग के दिल में घोषणा रखिए कि हम यहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ होना चाहिए, हमारे जो है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव का वो चल रहा है। तो जहाँ तक हो सके कि अगर हम अपने पार्टी को जीत के जो है आगे कुछ कारवा दिखाना है, तो भाइयों देखिए जिंदगी भर तो कमाना ही है, और कमा के सालों में किसी का पेट भरा नहीं हुआ कि भरा है किसी का नहीं भरे। तो हमको यही आप लोगों से निवेदन करेंगे कि चुनाव के पहले जिसको भी जो भी समय 10 दिन 15 दिन चुनाव अगर बचा है, तो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर थोड़ा से एक हौसला बुलंद करें। जय श्री दो सभी लोगों को हमारी बधाई हो, और ये मिशन आगे हम लोगों को बढ़ाना है महाराष्ट्र में, मुंबई में, उत्तर प्रदेश में। जैसे कहा, अगर आप लोग सभी लोग जानते हैं संगठन में शक्ति है, जिसका मतलब यह है कि आज हम लोग संगठित होकर इस मिशन को आगे बढ़ाना है। महाराजा भारतीय सुरेश समाज पार्टी की एक मिसाल उत्तर प्रदेश है, भारी मतों से जीतना, उसको जिताना, और इसी के साथ अपने राजा जी ने कहा कि
से अपने वोट का अधिकार है। लोग कहते हैं कि एक गांव का प्रधान अगर जीत जाता है या डीसी या एक मेंबर जीत जाता है, वो कोई बोलते हैं तू ये पद छोड़ दो, तो पहले हाथ पकड़ नहीं मिली, इतना पैसा मैं खर्चा किया, मैं कब पद छोड़ू। आप लोगों से अपील है कि राष्ट्रीय राजद सेवा संघ हमारा पूरा संगठन है महाराष्ट्र का, पार्टी जो बाद में आई उससे पहले संगठन हमारा है, और उस संगठन का चुनाव आने वाला है, उसमें अध्यक्ष पद के लिए मैं उम्मीदवार हूँ महाराष्ट्र से। सभी लोगों से मैं गुजारिश करता है कि इस बार जो है सबको देखा बार बार, इस बार हमारा एक नंबर है, तो आशीर्वाद आप लोग देंगे। मदनपुर का जो बात चर्चा किया इन्होंने, वो तो देखने वाला ही बहुत ज़्यादा एक जलसा था वहाँ पे, और वहाँ के जो लोगों ने क्षेत्र के लोगों ने देखा, और उससे जो है राजपुर समाज और अदर समाज के अंदर जो लोगों के अंदर जो नजरिया जो बदला है, वो यादव लोग जो थे उनका जो नजरिया बदला है ये काबिले तारीफ। पहला चीज हमको ये समझना चाहिए कि आज हमारी पार्टी जब 2002 में बनी थी उससे आज जो है बहुत गुना आगे निकल चुकी है, और हम राजभर समाज का जो नाम आया आज मोहताज नहीं है, एक राजभर समाज मोहताज नहीं है अपने नाम, उसका नाम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है अपने समाज में अपने क्षेत्र में, और किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं हम तो राजभर समाज का बहुत ज़्यादा जो है डिमांड आज की डेट में है। इसीलिए सभी पार्टियाँ लालायित है कि हम मोहताज राजभर जी के साथ में खुले और अच्छे से अच्छा हम जो है गवर्नमेंट जो है बनाने का कार्य, इसी कड़ी में आपका जो है समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन जो हुआ और उसका जो है आपका हल्दापुर में जो है देखने के लिए वो मिला। इसके साथ में आप देखेंगे कि हमारे जो नेता की जो नियत है और जो नीति है उसके अंदर जरा सा भी खोट नहीं है, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे महंगाई के मामले में हो, या इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका उसके ऊपर है, हर एक चीज़ में पारदर्शिता इतना उन्होंने रखा है जो आप उसके अंदर जो है हम लोग ऐसा बखान करने वाली कोई बात ही नहीं, सब एकदम पारदर्शिता लिखी हुई है। ये सब चीज़ें हम लोगों को जो नियत और नीति जो अच्छी लगी, हम लोग जो है पार्टी के साथ आए, पार्टी के साथ में जुड़े, और हम लोग जो है आजीवन इसी पार्टी के साथ रहेंगे, आगे जो है दूसरे जगह में जाने के लिए कभी सोचेंगे नहीं। इसी के साथ में हम देखते हैं तो आपके अनिल जी, वरुण जी, जब भी हमारे सभी लोग उमर शंकर भाई सब लोग इतना जो है इसमें जो है मतलब तीन गुना सात चौगुना लोग मेहनत करते हैं, वो चीज़ हम लोगों को देखते हुए ये इच्छा होती है कि हम लोग भी इसमें तीन गुना और चार चौगुना मेहनत करें, ऐसा जो है हम लोग जो है मन में इच्छा लेकर के आज जो है पार्टी में जो हम लोग ज्वाइन किए। धन्यवाद। और पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और साथ में अजय राजी जो प्रमुख महासचिव है महाराष्ट्र के, इधर युवाओं में एक जोश भरा और युवा मिलकर काम करना चालू किया, और एक अच्छी और शक्ति मिलती है महाराष्ट्र में, लगभग चार साल पाँच साल हो गया हम लोग जुड़ के पार्टी में, और एक युवाओं में एक अच्छी शक्ति के कारण हम एक संगठन बना है जगह जगह से, और आज के डेट में हर राज्य में एक युवा शक्ति एक्टिव है, और आने वाले समय में जो अभी चुनाव आने वाला है 2022 का, यूपी में भी चुनाव है और यहाँ पे भी चुनाव है, तो तैयारियाँ यहाँ भी चालू है और यूपी में भी चालू है, तो आप सब लोग संगठित होइए और एक दूसरे से मिलजुल के माननीय उम्र का सालभर के विचार को आगे बढ़ाइए,
और भारी से भारी मतों से दिलाई। धन्यवाद। एक ऐसे व्यक्ति है जो खुल के विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो मुद्दों जो सही है वो सही का साथ दे रहे हैं, जो गलत है गलत का विरोध खुल के कर रहे हैं। यूपी में जो विपक्ष को काम करना चाहिए वो सरकार में रहते हुए भी कर रहे थे, और सरकार से निकलने के बाद भी विरोध करते करते आज ऐसी ताकत बना ली उन्होंने कि आज मीडिया को मजबूरन उनका उनको कवर करना पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया आज भीग चुकी हुई है। लेकिन जो मुद्दे की लड़ाई है, जो आत्मधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने सबको झुका दिया है, मीडिया को झुका दिया। आज योगी मोदी जी जो रैली देख के परेशान है, जो सपा के साथ गठबंधन हुआ है, हजरतपुर मऊ की रैली एक ऐतिहासिक रैली है। आज सभी पार्टियां हड़बड़ाई हुई है कि ओम प्रकाश जी कहाँ जाएंगे, किसकी सरकार बनाएंगे, तो हर कोई ओम प्रकाश जी के साथ जाना चाहता है।